पंजाब के फरीदकोट जिले के बरगाड़ी बेअदबी मामले में पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस की टीम सोमवार सुबह रोहतक की सुनारिया जेल पहुंची। मामले के अनुसार 2015 में पंजाब के बरगाड़ी से करीब 5 किलोमीटर दूर गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला में स्थित गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूप चोरी हो गए थे। 25 सितंबर 2015 को बरगाड़ी के गुरुद्वारा साहिब के पास हाथ से लिखे गए 2 पोस्टर लगे मिले थे। ये पंजाबी भाषा में लिखे गए थे। आरोप ये है कि पोस्टर में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। मामले को लेकर जांच कर रही पंजाब पुलिस की एसआईटी ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। 25 अक्टूबर को एसआईटी की याचिका पर फरीदकोट की अदालत से राम रहीम के 29 अक्टूबर के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी हुए थे। 10 गाड़ियों के काफिले में पहुंची पंजाब पुलिस की टीम का नेतृत्व एसआईटी प्रमुख आईजी सुरेंद्र पाल परमार कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के पास सवालों की लंबी सूची है, ऐसे में पूछताछ लंबी चल सकती है। राम रहीम से पूछताछ के चलते पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। सोमवार को जेल से बंदियों की जिला अदालत में पेशी रोक दी गई, साथ ही परिजनों से मिलाई भी बंद रखी गई है। दरअसल आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने पहले इस वारंट पर रोक लगा दी थी, लेकिन पंजाब पुलिस को सुनारिया जेल में जाकर राम रहीम से पूछताछ की अनुमति दी थी। एसआईटी ने मामले में डीसी रोहतक को पत्र लिखकर पूछताछ की अनुमति मांगी थी। डीसी ने जेल में 8 नवंबर को पूछताछ की तारीख दी थी। अब सोमवार सुबह पंजाब पुलिस की टीम रोहतक पहुंच चुकी है, जो कि राम रहीम से बेअदबी मामले में पूछताछ करेगी।